मुबारक हो दोस्तों, एक और गोदी चैनल देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। एक और गोदी मीडिया जो है वो आपके घरों में बनने को, देखने को प्राइम टाइम के नाम पर, डिबेट के नाम पर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो बहुत सारे गोदी चैनल्स हैं जहां पर एक ही भक्ति होती है, लेकिन एक और नाम ऐड हो गया है, वो है NDTV, अडानी का NDTV। अडानी साहब जब ये चैनल ख़रीद रहे थे तो एक इंटरव्यू दिया था NDTV को ही, और कहा था कि जो लोगों की राय है कि ये जो चैनल ख़रीद लिया गया है इसके बाद जो है सरकार के पक्ष में ही खबर दिखाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम जो है पत्रकारिता पर रोक नहीं लगाने आए हैं, पाबंदी जो और बंदिशें जो है वो नहीं लगाने आए हैं। इस तरीके की बातें अडानी साहब की तरफ से कही गई थी कि थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए कि चैनल जो है वो किस तरीके से खबर दिखाती है। तो वो वक्त भी आ गया है दोस्तों कि किस तरीके की खबर और किस तरीके का कंटेंट जो है वो बाकी चैनलों की तरह NDTV पर भी दिखाई देना शुरू हो गया। वैसे तो लोगों को उम्मीद थी ही कि NDTV जब से बिका है उसके बाद तो फिर यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का खबरों का दिखाने का पैटर्न, यहाँ की तमाम चीज़ें जो है वो बदलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इस चैनल से रविश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया था और अपने ज़मीर को, जी हाँ, अपने ज़मीर को गिरवी ना रख कर रविश कुमार ने यहाँ से इस्तीफ़ा देकर अपना खुद का YouTube चैनल उन्होंने खोल लिया। लेकिन अब इस चैनल की चाटुकारिता और पत्रकारिता का फ़र्क क्या रहा है वो आपको मैं कुछ ट्वीट्स के ज़रिए दिखाना चाहूँगी कि कैसे कैसे प्रतिक्रिया जो है अब इस चैनल को लेकर सामने आ रहा है। दोस्तों, दरअसल NDTV की तरफ से एक पोस्टर शेयर किया गया है, 9 ईयर्स ऑफ PM मोदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ Episode 3 लोक कल्याण। ये पोस्टर है कि मोदी के जो 9 साल हुए हैं, जैसा कि भाजपा की तरफ से ऐलान किया गया है कि 9 साल जो भाजपा सत्ता में रही है और मोदी जी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है इसको बताना है, जगह जगह प्रोग्राम करना है, इवेंट्स करने हैं, लोगों को जा जाकर बताना है कि 9 साल में मोदी जी ने देश को क्या क्या दिया है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये बताना है। ठीक ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री NDTV की तरफ से तैयार किया गया है, 9 ईयर्स ऑफ PM मोदी। तो इसमें जो है दोस्तों NDTV इंडिया की तरफ से ये ट्वीट किया है कि मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजना ने कैसे ज़मीन पर लोगों की ज़िंदगी बदली है। सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने के मौके पर NDTV इंडिया लेकर आया है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़। Episode 3 में देखिए कि किस तरीके से इस सरकार की कल्याणकारी योजना से लाभार्थियों को फ़ायदा पहुंचा है। तो ये NDTV की तरफ से ट्वीट हुआ है दोस्तों, जो कि अडानी का चैनल। अब इसी खबर को दोस्तों रीट्वीट करते हुए रोफेल गांधी क्या लिखते हैं वो गौर से सुनिएगा दोस्तों। रोफेल गांधी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी मित्र इसको भी हड़प लो, योजना ने डॉक्टर प्रणय रॉय की ज़िंदगी बदल दी, अपनी आंखों के सामने NDTV को सुदर्शन TV बनते देख रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यानी सीधे तौर पर NDTV को सुदर्शन चैनल से कंपेयर कर दिया गया है कि किस तरीके से जो है अब ये चैनल सुदर्शन चैनल की तरह जो है अब खबरें दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों सुदर्शन पर क्या दिखाया जाता है, कैसी खबरें दिखाई जाती है, ये मुझे ब्रीफ में जाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हैं, समझदार हैं, जनता है, आपकी राय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इसी खबर को, NDTV इंडिया की खबर को विनोद कापड़ी जो है वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, अधिग्रहण पूरा हुआ, यानी कि अब पूरी तरीके से दिखाया जाएगा कि क्या क्या आका के हुक्म पर चलता है। तो इस तरीके से जो है तमाम यूज़र्स जो हैं वो इस खबर को ट्वीट कर रहे हैं। अमित मीना नाम के यूज़र लिखते हैं, भक्ति जो है अब शुरू हो गई है, NDTV जो है अब सीधे तौर पर भक्ति करता हुआ भक्ति के नाम से जाना जाएगा। सोमेश मौर्य लिखते हैं कि बहुत जल्द ही NDTV सत्ता की गोद में जाकर गोदी मीडिया बन गया, इस चैनल पर मोदी सरकार का भक्ति काल चल रहा है। जिस चैनल पर BJP के प्रवक्ता पहले नहीं भेजे जाते थे दोस्तों, और अब उस चैनल पर मोदी नामा दिखाया जा रहा है। तो ये स्थिति है हमारे देश में कि कैसे चैनलों पर दबिश बनाया जाता है और चैनल को ख़रीद लेने के बाद कैसे उसकी पत्रकारिता को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है। और आप उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, जो बड़े बड़े शोज़ लेकर आते हैं, वो आपको सच दिखाएंगे। आपको उम्मीद है कि इन चैनल्स में आपको सच दिखाया जाता होगा,
आपको बताया जाता होगा कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपको बताने की हिम्मत रखता होगा कि सरकार से हम सवाल पूछेंगे महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, जो देश के मुद्दे हैं उस पर आप उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि NDTV चैनल वो पहले क्या था और अब क्या है आपके सामने है। कैसे उद्योगपति के ज़रिए एक चैनल को ख़रीदा जाता है और फिर उस पर कैसे कंटेंट प्रस्तुत किए जाते हैं वो भी आपके सामने है। तो आप ये सोचिए कि हमारे देश में पत्रकारिता का अंत कैसे हो रहा है, पत्रकारिता का गला कैसे घोचा जा रहा है, वो सब आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, मकबूल सिद्दीकी लिखते हैं कि NDTV मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन रविश कुमार ने इसे छोड़ा था। लोग रविश कुमार को भी याद कर रहे हैं। साजिद नाम के यूज़र लिखते हैं कि लोगों की तो नहीं पर NDTV की ज़िंदगी ज़रूर बदल दी है। मुदानी नमक कल्याणकारी योजना का फ़ायदा NDTV को ज़रूर हुआ है। तो ऐसे तमाम यूज़र्स जो हैं वो ये लिख रहे हैं कि अब ये जो चैनल है वो भक्ति वाला चैनल बन गया है, जैसे बाकी चैनल्स भक्तिमय हुआ करते थे, ठीक वैसे ही ये चैनल पर भी अब पूरी तरीके से सरकार की पकड़ पहुंच चुकी है। और ये पकड़ किस वजह से पहुंची है, कैसे पहुंची है और इसके लिंक क्या है क्या नहीं है वो आप अच्छे से समझिए। आप समझदार हैं दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि इस देश में चल क्या रहा है, कैसे व्यापार और पत्रकारिता को मिक्स किया गया और उसके बाद चैनल पर खबरों की जगह क्या दिखाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।